ये गंदे लोगों से जो प्यार किया पाया सब से
तो इससे और गंदा होता चला गया, तह 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 गंदगी की बस्ती है। शुद्ध पर्सनैलिटी केवल भगवान और महापुरुष, ये शुद्ध है। जब इनके प्रति हमारा विरह हो जाए तो ये समा जाएंगे, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो जितना विरह बढ़ेगा उतने अंतःकरण उज्ज्वल होगा। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद फिर कुछ नहीं करना जीव को, फिर तो गुरु दे देगा सिर्फ स्पिरिचुअल पावर। बर्तन बन जाए फिर देने में उसको मांगना भी नहीं है कि गुरु जी दे दी थी, उसको साथ में बैठा है, किसी का बर्तन मिले और हम दे दें, उसी क्षण हमें प्राप्ति, उसी क्षण माया निवृत्ति, सब काम खत्म। वो कह रहा है कि आप विरह देखना दे दीजिए, संपर्क व्याकुलता कर, तो मैं और क्या करूं, और भी जो सोने को कितने बार आग में डालोगे तो न जलेगा नहीं, उसमें चमक पड़ेगी। तो उसी प्रकार विरह से अंतःकरण और निर्मल होगा और शुद्ध होगा, जितना अधिक शुद्ध होगा उतने उसमें प्रियतम आके बैठेंगे। जाए सब अहम चेतना, जाए सब अहम चेतना, जाए सब अहम चेतना, जाए सब अहम चेतना, वेदना लिख जाए सब अहम चेतना, और अधिक चमके का सोना, और अधिक चमके का सोना, और अधिक चमके का सोना, पुनी पुनी अग्नि का पानी से, पुनी पुनी अग्नि का पानी से, और अधिक चमकेगा सोना, पुनी पुनी अग्नि का पानी से, और अधिक चमकेगा सोना, पुनी पुनी अग्नि का पानी से, आया ना आ मुरली वाले, उसको सुख मिले आने में तो आवे, अगर उसको दुख मिलता है मेरे पास आने में तो हम उसको दुखी नहीं कर सकते। आ या ना आ मुरली वाले, आ या ना आ मुरली वाले, पर तुम्हें पुकारे, रो रो पर तुम्हें पुकारे, आ या ना आ मुरली वाले, पर तुम